किससे पूछ के? किससे पूछ के? ये पैसे मेरे हक के हैं, अपने हक से लेकर जा रही हूँ। हक? कौन सा हक? ये घर, ये पैसे मेरे और मेरी फैमिली के, जो तुमने धोखे से लिए, इसलिए हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी हम ऐसे ही ले लेंगे, समझी? अच्छा, इन पैसों पे तुम्हें तुम्हारा हक याद रहता है पर परिवार पर नहीं। तुमने अपने भाई के बारे में हमेशा बुरा ही बुरा सोचा, तुम अपने परिवार के बारे में क्या अच्छा सोचो? जो तुम्हारी हरकतें हैं बाकियों की नजर से बच सकते हैं, मेरी नजरों से नहीं। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ये पैसे लिए, ओके? अगर जरूरत थी तो मुझसे मांग सकती थी, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुमसे मांगती भी तो भी तुम ना ही कहती, इसलिए रिक्वेस्ट करना भी किसी काम का नहीं था। और वैसे भी तुमसे मैंने इसलिए रिक्वेस्ट नहीं की क्योंकि तुमसे अगर मैं रिक्वेस्ट करती तो मेरा मूड खराब हो जाता, मेरा मूड खराब करने का मेरा कोई मूड नहीं था। बात तुम्हारे मूड की नहीं, बात तुम्हारे ईगो की। तुम्हें लगा कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगी तो तुम्हें मेरे मेरे सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन तुम भूल रही हो आलिया कि ये घर मेरा है, मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ, ये भी मेरा तुम पर एहसान है और तुम ऑलरेडी मेरे एहसानों के तले झुकी हुई। आलिया, मेहरा को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम इस घर में वापस ही क्यों आई? चली जाओ। ओह प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? It's okay, आलिया, मैं जानती मेरी शादी टूट गई इसलिए तुम दुखी हो, पर देखो मैं रो रही हूँ क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? Just shut up. हर चीज तुमसे रिलेटेड नहीं होती है तन, अपनी सेल्फ ऑब्सेस दुनिया से बाहर निकलो। तो फिर किस लिए परेशान हो? मैं खुद से परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ तनु। मेरी लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं। आलिया, मैं हूँ ना तुम्हारी सच्ची दोस्त, तुम्हारा सगा भाई भी है। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या? इस प्रज्ञा की सिर्फ सिर्फ एक माँ है और कोई नहीं है उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो गर्व से कह सकती है कि उसके पास सब कुछ है। जानती उसने मुझे क्या कहा? मेरे मुंह पर उसने कहा कि ये घर मेरा नहीं, आई मीन मेरा, मैं हूँ वो आउटसाइडर, लेकिन फिर भी इतनी धौस जमा कर बोल रही थी कि ये सब कुछ उसका। तनु ऐसे कैसे बोल सकती है? कैसे हो सकता है सब कुछ उसका? चलिए आलिया, वो कह तो सकती है, आई मीन ये घर उसी का तो है ना। तो मैं तो उसके नाम पर नहीं हूँ ना। थर्ड क्लास मोहल्ले से उठकर आई हो तनु, और अपने आप को क्या समझती है? इस घर की मालकिन। You know what, तनु? एक दिन देखना तुम, एक दिन उसके साथ ऐसा करूंगी ना कि कभी मुंह उठाकर दोबारा इस घर की तरफ देखेगी भी नहीं, ऐसी हालत कर दूंगी उसकी। आलिया, हमें ऐसी कोई चीजें बोलनी ही नहीं चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सके। आई मीन ये सारी बातें मैं भी तो बोलती थी ना, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखो मैं उसे घर से कैसे निकालती हूँ। और क्या हुआ? उसने मेरी शादी रुकवा दी, मुझे मंडप से उठा दिया। ना मैं उसे घर से निकाल पाई और ना ही अब तुम निकाल पाओगी। तुमने हार मानी है, मैंने नहीं। तो मेरी छोड़ और अपनी सोचो कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, आज की डेट ना याद करके लिख कर रखना। क्यों? अरे देखते रहो, खाना नहीं लगा यहाँ पर, दावत है दावत। हम ना ये डेट प्रज्ञा को हर महीने याद दिलाएंगे और हर महीने ऐसे ही दावत का मजा लेंगे। वैसे खाना अगर रेडी है तुम खा क्यों नहीं रहे? अब अरे जिसने ये दावत दी है पहले उसे तो आने दो। तो आपके कहने का मतलब है कि जब तक प्रज्ञा नहीं आती हम खाना नहीं खाएंगे? देखिए आप लोगों को वेट करना है तो कीजिए, मैं खाना खा रही हूँ। रुको, अरे अपनी किस्मत पर ना खुश हो, उसने सिर्फ तुम्हारी शादी रोकी है। इस तरह की हरकतें करोगी ना तो हुक्का पानी बंद कर देगी तुम्हारा। क्या रही? चलो सब लोग हंसो। हेलो जी, जी मैं डिटेल्स जाने बगैर कुछ फाइनल नहीं कर सकती। या जी जी आई अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, नो नो नीड फॉर दैट, आप मेल कर दीजिए मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी आज ये अभी प्रज्ञा को कुछ ज्यादा नहीं देख रहा?
मुझे तो नहीं लग रहा। देखो तो सही कितने प्यार से निहारे जा रहा है उसे। जरूर उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही होगी। कह तो आप सही रही हो, जिस तरह प्रज्ञा ने अभी और तनु की शादी रोकी है ना, उस तरह तो अभी उसे फूटी आग ना देखे। लोग ऐसे बैठे की खाना शुरू कीजिए आप। क्या कहा था इसने? ये बॉस है और मैं एम्प्लॉय। अभी बता दो उसे कि कौन है यहाँ का असली बॉस। आइए आलिया जी, आइए, वेलकम, बैठिए। कहीं तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? मेरे पैसे ले आइए। पैसे के बारे में ही बात करनी थी। ये कहना था कि कहना नील, मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने आया हूँ? माना कि आज मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन आज भी मेरे वक्त की वही वैल्यू है जो पहले थी। ये वही जगह है जहाँ ले? हाँ पूरा, मैंने मैसेज पढ़ा था, मैसेज में यही एड्रेस लिखा। कोई जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? कि लोग देखे, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही थी सर। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ पूरा, कोई गलत आदमी है जो आलिया को ब्लैकमेल कर रहा है। कोई गलत इंसान तो ऐसी ही जगह में बुलाएगा ना। ये किसके साथ बैठी? ये वही होगा ना जिसका मैसेज आया था। इतनी आसिफ उसकी शक्ल भी नहीं देख रही है, उस साइड चलते। ये तो कॉर्पोरेटर है। हाँ पूरा, देखिए जेल से कब बाहर आया और वो आलिया से क्यों मिल रहा है? मैं चक्के देखूं? नहीं नहीं, देखो इससे अकेले उलझना ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इन्हें फोन करके यहाँ बुला लो, वो निपट लेंगे इससे। जानेमन दादी भाई, फूल तो सुबह खिला करते हैं, और तेरे कमरे ये फूल रात को क्यों खिल रहे हैं? सिर्फ फूल ही नहीं दादी, यहाँ पे तो किसी का चेहरा भी खिला हुआ है। दादी बात क्या है ना कि कमरे में इतना गोबर हुआ है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से फूल उग रहे हैं। मेरा मतलब है कि फ्रेशनेस के लिए राशन कार्ड भी सामने ही पड़ा है। फ्रेशनेस के लिए? फ्रेश माइंड फ्रेश। तो ये मोमबत्ती किस लिए बेटा? सिक्योरिटी ले रहा था। ऐसा माहौल तो तभी बनाया जाता है जब दिल में किसी के लिए प्यार आता है। अच्छा तो बेटा तू किसके प्यार में ये माहौल बना रहा है? कैसा माहौल दादी? अरे अरसा हो गया, मैंने एक रोमांटिक गाना नहीं बनाया, रोमांस की बात करी है। दादी जिसकी लाइफ में दो दो औरतें होती है ना, उसके लाइफ में कोई रोमांस नहीं बचता। दोनों के बीच में पिस क्या हूं मैं? I'm pissing. अब मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है ना, तो खुदकुशी कर रहा हूं। मतलब खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं दादी। मेरा बच्चा बेचारा, अपने गानों से दूसरों की जिंदगी में प्यार भरने वाला, खुद प्यार को तरस रहा है। राइट आ जाइए दादी। पर मेरे बच्चे तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तेरे हाथ में ही है सब कुछ। अरे जो तेरे दिल में आए वही करना। दादी वही तो प्रॉब्लम है, करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ ना। फिर दिल की सुनता हूँ तो दिमाग हावी हो जाता है, दिमाग की सुनता हूँ तो दिल बीच में आ जाता है। इन दोनों के चक्कर में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ दादी। मैं और मेरी तरह ही अक्सर ये बातें कहते हैं कि अगर वो दोनों नहीं होती तो कैसा होता, अगर सिर्फ फूकी होती दादी तो कितना अच्छा होता। ये तो बहुत ही सीरियस बात है। ठीक है बेटा,
जो तेरे मन में आए वो ही कर, मैं तो चलती हूँ। सिर्फ आपका प्यार ये जो मुझे मेरी तकलीफ से बाहर ला सकता है। ये फूल बहुत प्यारे हैं। ये माहौल कितना अच्छा है, मन करता है ये सब कुछ बाहों में भर लूं, ऐसा ही लगता है ना। हाँ तो लगा लेना इन फूलों को गले से, क्योंकि ये सारी सजावट जो है ना अभी ने सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए की। तो एक काम कर, तो यहीं रुक, प्रगति आती होगी। सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे पैसे देने वाले थे ना। तुझे पैसे मिल जाएंगे, तुझे कितने पैसे चाहिए? 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तुझे सब मिलेगा। तू अभी बस शांति से यहीं पर। 20 लाख? तू सच में मुझे 20 लाख रुपए देगा? 20 लाख के लिए तो मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ, जान भी ले सकता हूँ, तो ये सबूत देना क्या है? चलो एक काम करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, पैसे लेके आओ। चुपचाप तू यहीं पर रह, प्रगति तुझसे बात करेंगी और तुझे जो चाहिए होगा तुझे मिल जाएगा। तू अभी शांति से बस यहीं पर उनका वेट कर, ठीक है? मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, प्लीज जल्दी बुला। नमस्ते प्रज्ञा जी, कैसी हैं आप? आपका तो पूरा अंदाज ही बदल गया भाई। हाँ, मैंने सुना था कि इंसान की अगर किस्मत बदल जाए तो उसके रहने सहने का तरीका भी बदल जाता है, और आपको पता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि एक दिन आप बहुत बड़ी बनेंगी, बहुत नाम कमाएंगी। बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। आलिया के खिलाफ जितने भी सबूत है तुम्हारे पास तुम मुझे दे दो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारी और आलिया की बातें मैंने सुन ली है, इसलिए बेकार की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्या आप वहाँ पे थी? कहाँ? मैंने कहा ना, बेकार की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आई जस्ट नीड ऑल द ब्लडी प्रूफ्स। तुम्हारे घर में, ऑफिस में जितनी भी कॉपीज हैं उन सबूतों की मुझे चाहिए, बदले में तुम जितना पैसा मांगो। क्या क्या हाल बना रखा है आलिया ने आपका, कितनी डेस्परेट लग रही हैं आप कि पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा। तुम मेरी छोड़ो, अपनी मदद कर लो, सबूत दो, पैसे लो, इस घर से निकल जाओ। पैसा तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इस मुसीबत से तभी छुटकारा मिलेगा जब आप पैसा देंगे, लेकिन आपको छुटकारा नहीं दे सकता मैं। आखिर ऐसा क्या कर लिया आलिया जो आप मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं इन सबूतों के लिए? क्या मांगा है आपसे, क्या छीना है आपसे? कहीं आपका पति तो नहीं छीन लिया? ये तो कमाल हो गया, मैंने आज तक पति पत्नी और वो जैसी कहानियां सुनी, सास बहू का ड्रामा भी देखा है, लेकिन आज पहली बार भाभी और ननन का ड्रामा देख रहा हूं जहां ननन अपनी भाभी से उनके पति को छीनना चाहती है। सच बताऊं, ये कहानी अगर मैंने टीवी सीरियल वालों को बेच दी ना तो मुंह मांगे कीमत देंगे मुझे, पैसा तो मैं वहां से भी कमा लूंगा, क्यों है ना? उसकी बात बंद कर, उनकी बात करो और फालतू की बातों में मत उलझो। मैं उलझा नहीं रहा हूं, सुलझा रहा हूं। आप हमेशा गुस्से से क्यों बात करते हैं आलिया जी मुझसे? कभी तो प्यार से बात कीजिए ना। मैंने डील की है पर अभी से नहीं, प्रज्ञा से। उस प्रज्ञा के साथ क्यों किया तुमने ऐसा? फिर वही गुस्सा, अभी बोला ना प्यार से बात करो। मैंने प्रज्ञा से डील की है पर उससे पैसे नहीं लिए और ना ही लूंगा। पर आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे भी पैसे नहीं लूंगा। जानता हूं कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, आपके दिल में जो आग चल रही है ना उससे बदला लेने के लिए उसको बुझने मत देना, उल्टा उसमें घी तेल पेट्रोल कुछ भी डाल के उसको भड़काते रहना।
आपके जरिए मेरा बदला पूरा होगा। और पैसों की क्या बात, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पैसे दे देंगे। उल्टा कभी आपको अगर पैसे चाहिए ना तो मुझे आधी रात को फोन कीजिएगा, नील ठाकुर आपकी सेवा में हाजिर होगा। हाँ वैसे एक बात बताऊं, बुलबुल के जाने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मुझे किसी से प्यार होगा। मुझे आपसे प्यार हो गया आलिया जी। नॉनसेंस। अरे भड़क क्यों रही है? आपसे प्यार हो गया है मतलब आपके अंदाज से प्यार हो गया है, जिस तरीके से आप प्रज्ञा से बदला ले रही है ना उस अंदाज से। अपने दिल में ये मशाल जलाए रखिएगा, मेरा बदला पूरा लीजिएगा, ठीक है? चलता हूं। इस प्रज्ञा को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं था। देखो आलिया, तुम प्रज्ञा की जान लो या उसकी जान बख्श दो, जो करना है करो, लेकिन अभी मुझे जाने दो। मैं बहुत थक गई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, तुम जाओ, तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ उस प्रज्ञा का बैंड बजाकर। ओके। हर किसी से मैं लड़ती रहूंगी, जब जब तुम उनके खिलाफ जाओगी ना मुझे अपने सामने पाओगी। और गलती से भी मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि जो इंसान गिर कर खड़ा होता है ना उसके पाँव और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। दूसरी गलती, मुझे अकेला मत समझना, मैं अकेली नहीं, अगर तुम चार हो तो हम भी चार हैं, तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। प्रज्ञा दी की इस लड़ाई में मैं भी उनके साथ हूँ। For your kind information, आलिया, मैं प्रज्ञा भाभी के साथ हूँ। और मैं तो दी के साथ शुरू से ही था। 1, 2, 3, 4, हम चार तुम चार। अब इस बैटल में किसकी जीत होने वाली है ये तो सबको पता है। क्यों? चार नहीं, हम पांच हैं, क्योंकि मैं भी प्रज्ञा के कदम के साथ ही चलती हूँ। दादी हाँ? आप इसका साथ कैसे दे सकती? क्योंकि मेरी ये बूढ़ी आंखें हैं ना, अब इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि सही और गलत की पहचान ना कर सके। प्रज्ञा का तरीका गलत है मानती हूँ मैं, और उसकी सोच सही है। उसने अभी का सब कुछ छीन लिया है, किसके लिए? अभी की भलाई के लिए। अरे उसने तो अभी से नफरत का नाटक किया है। पर तू तो अभी की सगी बहन है, तू अपने भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? आलिया, ना तो तेरी सोच सही है ना तेरा तरीका सही है। जिस भाई ने तुझे आला पोसा, किसी चीज की कमी नहीं रखी, तेरी इतनी अच्छी परवरिश की, जो मांगा वो दिया। नहीं, जो मैंने मांगा उन्होंने मुझे वो नहीं दिया था। दी आपको समझ क्यों नहीं आता? अरे उन्होंने मुझे वो दिया जो वो देना चाहते थे, जो उन्हें सही लगता था। जानते मुझे क्या चाहिए था? सबको पता, मुझे पूरब चाहिए था। उन्होंने मेरा पूरा मुझसे छीन लिया, मुझे नहीं दिया, मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अरे कैसा भाई है ये? ये दो थप्पड़ मैंने तुम्हें नहीं अपने आप को मारे, ये दो थप्पड़ तुम पर दो बार भरोसा करने के लिए, तुम्हें दो बार माफ करने के लिए। अरे और कितना गिरोगी तुम और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? हाँ, गिरने की सारी हदें पार कर दी, अब तो जाकर रुको तुम। अगर अपने दुश्मन पर दया नहीं कर सकती तो अपनी औरत होने की शर्म तो करो तुम। एक औरत होकर तुम किसी के साथ इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? वो भी किसके लिए? पूरब के लिए, जो तुमसे प्यार तक नहीं करता। अब ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करती हो, क्योंकि तुम उसे प्यार नहीं करती। अगर तुम उसे प्यार करती ना तो वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता। पर देखो अपने आप को तुम, आलिया, क्या से क्या हो गई हो तुम? तुम पहले एक बहन थी, एक दोस्त थी, एक पोती थी, अब ना तुम बहन हो, ना दोस्त, ना पोती, तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अरे महलों जैसे घर में रहने वाली मेरी बहन जेल में रहने लग गई।
इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम जेल से वापस आई तो मैंने तुम्हें आउटहाउस पर रखा, सबसे दूर रखा, लेकिन हर वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बारे में सोचते रहता था। रात को बिना खाए सो जाता था, ये सोचकर कि कहीं तुमने खाना खाया भी होगा कि नहीं। जिस हाथ पर तुमने राखी बांधी थी ना, वही हाथ मैंने तुम पर उठाया, उसी हाथ से मैंने तुम्हें जेल भेजा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा अपने आप से कि यही तरीका है तुम्हें सही रास्ते पर लाने का। दादी, आप अब सही कहां करती थी? सोने की चमक लाने के लिए ना सोने के साथ साथ हाथों को भी तपाने पड़ते हैं दादी। पता है ये तुम्हारी सजा में ना तकलीफ मुझे भी हुई है, लेकिन इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगी। तुम नजरों से तो गिर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो थी। अब तुम मेरे दिल से भी निकल गई हो और थोड़े दिनों में तुम मेरी यादों से भी उतर जाओगी। आलिया कहाँ रह गई? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। ऐसे तो नहीं कि प्रज्ञा उसे फिर से लेक्चर देने लगी? मैं जाके चेक करती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर तो जाओ मत, अगर बाहर गई ना तो फिर बाहर ही चली जाओगी। क्या बोले जा रही हैं आप? मुझे तुम ये बताओ कि तुम अभी थोड़ी देर पहले आलिया के साथ आई थी ना? हाँ। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ अंदर आई कमरे में, वहीं रह जाती ना तो आलिया के साथ साथ तुम्हारा भी मुंह खुल जाता, और मुंह खुल जाता तो गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता, तुम भी लपेटे में आ जाती जैसे आलिया आई है। या तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो या होने वाले बच्चे की किस्मत कि तुम बाल बाल बच गई। आप साफ साफ बताएंगे, मैं खुद ही जाके पता कर लूं? अगर खुद ही जाकर पता करोगी ना तो तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा। वो वहाँ नीचे आलिया ने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया है, उसने सब कुछ उगल दिया है कि कैसे उसने अभी और प्रज्ञा को बर्बाद करने के लिए क्या क्या प्लानिंग की थी। सबने सुन लिया, पूरे परिवार ने, यहाँ तक कि अभी ने भी सुन लिया। अभी ने भी सुन लिया? अरे वही तो। ये तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि तुम यहाँ थी। तुम भी नीचे होती ना तो आलिया के साथ साथ जोश जोश में तुम भी अपना मुँह खोल देती। आलिया है कब? अरे नीचे है, सबके सामने मुजरिम बनकर खड़ी है। अभी ने पुलिस को भी फोन कर दिया है, बस पुलिस के आने का इंतजार है। फिर गई तुम्हारी दोस्त अपने ससुराल लंबे समय के लिए। मैं जाके देखती हूँ। सॉरी, यही रुको। मैं क्या कह रही हूँ, तुम तो नीचे जाओ मत। अगर आलिया ने तुम्हें देख लिया ना तो कहीं खुद को बचाने के चक्कर में वो तुम्हें लपेटे में ना ले ले। तब जरा सोचो, आलिया तो अकेली है, वो कहीं भी जाए। मेरा मतलब है तुम्हारी तरह प्रेग्नेंट नहीं है, वो जेल में चली गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? जस्ट शट अप। मैं आलिया को बचाने जा रही हूँ, आप मुझे मोटिवेट करने की जगह मुझे रोक रही है। आप भी तो उसके साथ ही हो ना। क्या कहा? पिछले जन्म की बातें मत करो, इस जन्म की बात करो। मैंने कब तुम दोनों का साथ दिया? और बाय द वे, तुम सुंदरी मुंदर के बीच में मेरा क्या काम? ओके फाइन, एटलीस्ट मुझे देखने तो दो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन तुम दूर से देखना। बस अभी रुक जा, मैंने अभी बात करी है पुलिस। पुलिस 10 मिनट में आ रही है, प्लीज दूर रहना। पूरा मैं इस लड़की की शक्ल 10 सेकंड भी नहीं देख सकता। इसे बोलो यहाँ से चले जाए, इससे पहले कि मैं इसे कुछ बता दूँ। प्लीज थोड़ा रिलैक्स कर, मेरी बात समझ। देख, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। पुलिस 10 मिनट में आ रही है तो तब तक थोड़ा कंट्रोल रख अपने आप पर, ये यहाँ से चली जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन अगर पुलिस आएगी ना पर तो उनसे कहना कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। यहाँ कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई जेल नहीं जाएगा। ये आप क्या कह रही है दादी? सही कर रही, तू अभी के अभी पुलिस को यहाँ आने से रोक दे। दादी, आप इसे बचाना चाहती है? इसने अपने सारे गुनाह कबूल किए, इसे जितनी सजा मिले उतनी कम है दादी। मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसने क्या क्या नहीं किया, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके जैसा नहीं बनेंगे। इससे पहले की दादी और कम समझ जाए। अच्छा, गेट आउट। ये कहीं नहीं जाएगी। तू फोन कर पुलिस को रोल। पर दादी क्यों? क्या तू ये चाहता है कि ये जेल जाए और जेल से जब वापस आए तो और भी सबके लिए नफरत लेके आए? नहीं, अभी हमने अपनी भड़ास नहीं निकालनी, हमें वो करना है जो हमारा फर्ज है।
अरे ये तो ढीठ बन ही गई है, इसे कोई भी सजा सुधार नहीं सकती, अब इसे ऑस्ट्रेलिया भेज दे वापस। हम सबसे दूर। नहीं दादी, हम इस पे रहम नहीं कर सकते दादी। अभी तू रहम कहाँ कर रहा है बेटा, तू तो वही कर रहा है ना जो तू चाहता था। तू चाहता था ना कि आलिया जब जेल से आए तो सुधर जाए, उसे ऑस्ट्रेलिया भेज के वही होगा। जब ये अपनों से दूर रहेगी ना तो इसे पता चलेगा इसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। पर दासी, देख, मैं तुझे इसे माफ करने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ इसकी सजा बदलने के लिए बोल रही है। तो जो मेरा गुनाह साबित नहीं कर सकती वो मेरा क्या बिगाड़ सकती, और तुम तो क्या भाई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी वजह से बुलबुल ने खुदकुशी की, अभी आलिया ने जो किया उसे उसकी सजा मिल गई, तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? प्लीज तनु, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। तसली ने कॉफी देने आई, इस वक्त मुझे कॉफी चाहिए थी। समझते क्या अपने आपको? मैं मानती हूँ कि अभी को कॉफी चाहिए थी और वो कॉफी लेके आई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी सुनाएगी, मैं सुनती रहूंगी। और वो अभी रूडली बात कर रहा था मुझसे, उसे दिख नहीं रहा था कि वो प्रज्ञा एक्टिंग कर रही है। तुम अभी तक ऐसी बैठी हो, पैकिंग शुरू नहीं किया अब तक? क्यों, अब कौन जा रहा है घर से? ये तो तुम अपने आप से पूछो कि कौन जा रहा है। वैसे अब आगे होगा क्या? मेरा मतलब है कि कहानी का रुख अब किस तरफ जाएगा? कहीं प्रज्ञा का अगला शिकार तुम तो नहीं? अब क्यों बकवास करती रहती है? मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ, मैं तो वो ही कह रही हूँ ना जो प्रज्ञा ने कल कहा था। भूल गई क्या? उसने कहा था ना कि अगर तुम खुद ही अपना सामान पैक करके चले जाओगी तो तुम बच जाओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम लंगड़े हो जाओगी। मेरा मतलब है कि जो तुम्हारी जोड़ीदार है आलिया, उसको तो उसने घर से बाहर निकाल ही दिया, अब रह गई तुम, तो तुम तो लंगड़ी हो गई ना आलिया के बिना। वो क्या बोलते हैं, सुंदरी की जोड़ीदार मुंदरी तो गई, अब मुंदरी का क्या होगा? आगे देखते रहिए। देखो इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम लंगड़ी हो गई हो ना तो मैं तुम्हारी बैसाखी बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। वो प्रज्ञा ने कहा था ना कि उसका अगला शिकार तुम होगी, तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारी तो हालत वैसी हो गई, अब वो क्या बोलते हैं, हाथ में पकड़ने के लिए लाठी चाहिए लेकिन हाथ ही नहीं है, चलने के लिए बैसाखी चाहिए लेकिन पैर ही नहीं है। वो फिल्म का डायलॉग है, मुझे सही जगह लगी तो मैंने चिपका दिया। देखो मुझे ना एक और डायलॉग याद आ रहा है, वो क्या बोलते हैं, तेरा क्या होगा कालिया। मुझे जो कहना था ना वो मैंने कह दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम कहो। अच्छा क्या कहीं मैं तो सच में अकेली हो गई, अब इस प्रज्ञा को कैसे हैंडल करूं? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।